से? बेसिकली प्राइवेट टेबल एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेटा को समराइज कर सकते, मर्ज कर सकते, कंबाइंड कर सकते। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, वो समझिए कि जैसे अभी आपके पास ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और इस डेटा को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अभी सेटअप कर दिया, ए टू जेड ऑर्डर में लगा दिया इससे पहले का। तो अब देखो ये जो डेटाबेस हमारे पास है इसमें अलग अलग डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, तो और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और ऐसे ही सैलरी भी अलग अलग है उन एम्प्लॉयज की। तो अब हमें इनको एक समराइजिंग देना है, मतलब एक इसको समराइज करना है, डेटा को मर्ज करना है, कंबाइंड करना है, जिससे ये डेटा कोई अगर समझे तो उसको बहुत बेटर लगे, मतलब कि उसको समझने में इजी हो जाए। तो बेसिकली पाइवेट टेबल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, और बहुत बड़े डेटा से एक वैल्यूबल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, उसे प्राइवेट टेबल बोला जाता है। तो इसी डेटा को अगर आप मर्ज, समराइज या अरेंज करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट टेबल का यूज करते हैं, जिससे आपका डेटा बहुत ही वैल्यूबल बन जाता है, रिपोर्ट्स इजीली निकाल सकते हैं, समझने में इजी हो जाता है, और चीजों को क्लियरली समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को देखकर कि क्या कहना चाह रहा है डेटा हमारा। तो उस तरीके से कि अगर आपको पूरे डेटाबेस को, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को, बहुत बड़े डेटाबेस को एक वैल्यूबल रिपोर्ट तक, एक बेटर आउटपुट तक पहुंचाना है, तो आप प्राइवेट टेबल फीचर का यूज करते हो। देखिए उसके अंदर क्या कर सकते हैं वो समझिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं, जितने भी टीम लीडर हैं, उन सभी का डेटा, मैनेजर का एक साथ, टीम लीडर का एक साथ, असिस्टेंट मैनेजर का एक साथ कंबाइंड कर देगा। अभी तो अलग अलग देखना पड़ रहा है। तो पहला काम तो यही है कि कैटेगरी वाइज डेटा को समराइज कर देना, मर्ज कर देना। दूसरा काम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेटअप करना। तीसरा काम डेटा का सब टोटल और ग्रैंड टोटल करना कि जितने भी मैनेजर है उन सबकी मैनेजर की सैलरी का टोटल हो जाए, और मैनेजर कौन कौन है वो आपको दिखा। ऐसे जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हैं सबका, उनकी सबकी सैलरी का टोटल हो जाए और दिखा दे कि कौन कौन है। ऐसे सबका कैटेगरी वाइज टोटल भी करेगा और फाइनल सबको मिलाकर भी टोटल करेगा। तो अगर आप इस पूरे डेटा को टोटल करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं वो यहाँ पर अभी समझना इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर मैटर, देखिए कि जैसे प्राइवेट टेबल ऑलवेज जो बनती है वो एक नेक्स्ट शीट पे बनती है या अनदर लोकेशन पे बनती है। अगर मैं यहीं पर बना दूंगा तो कॉम्प्लेक्स डेटा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इस डेटा को वेरी इजी बनाने के लिए तो मैं अलग से एक एरिया चूज करता हूँ या अलग से एक शीट चूज करता हूँ। तो उसके लिए मैं प्राइवेट टेबल बनाता हूँ। तो जैसे आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया और इसमें एक प्राइवेट टेबल के नाम से बटन है और इसमें एक फ्रॉम टेबल रेंज है, डायरेक्ट आप प्राइवेट टेबल भी क्लिक कर सकते हो। तो फ्रॉम टेबल रेंज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो जो टेबल सिलेक्टेड है वो अपने आप यहाँ पर रेंज बनकर आ जाएगी। तो वो पूछ भी रहा है इसी रेंज की प्राइवेट टेबल बनानी है। यस, अगर आपको लगता है ये रेंज गलत सिलेक्ट हुई है तो इसको हटाकर यहाँ पर ही आप पूरी टेबल को नीचे तक कंप्लीट फिर से खुद से सेलेक्ट कर लें। देन दूसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है आपको न्यू शीट पे प्राइवेट टेबल बनानी है या इसी शीट के ऊपर प्राइवेट टेबल बनाना चाहते हो। तो दो ऑप्शन है, नई शीट पे बनाना चाहते हो या इसी शीट पर, तो डिपेंड है आपके ऊपर। तो आप जिसके ऊपर भी इसको बनाना चाहते हो बना सकते हो, बट मोस्टली न्यू शीट पे बनाते हैं। अगर मैं सेम शीट पे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेटा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या कह रहा है कि ऑलरेडी अगर कोई शीट बनी हुई है, खाली है, तो उसके ऊपर भी आप एग्जिस्टिंग शीट से बना सकते हो। तो बट मोस्टली हम न्यू वर्कशीट का यूज करते हैं, तो आप भी अभी न्यू वर्कशीट का यूज करना और ओके करना।
तो जैसे ही न्यू वर्कशीट करके ओके करेंगे तो एक नई शीट ओपन होगी, उस शीट के अंदर आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से मेंटेन होगा। यहाँ पर जैसे ये तो प्राइवेट टेबल का एक एरिया ओपन हो गया और राइट हैंड साइड में वो फील्ड आ गई जो आपने बना रखी थी। शीट वन पे जो ऊपर ये फील्ड थी, ये सारी फील्ड शीट टू में प्राइवेट टेबल फील्ड के अंदर आ जाती है कि आपको जो डेटा है प्राइवेट टेबल है वो किस तरीके से किस कैटेगरी में आपको क्रिएट करनी है वो यहाँ पर आप जो है दिखाएंगे। तो डेजिग्नेशन पे क्लिक किया तो जैसे मैंने डेजिग्नेशन पे क्लिक किया तो असिस्टेंट मैनेजर, तो मैनेजर, टीम लीडर, तीन ही चीज यहाँ पर आ रही है। तो अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मैनेजर है, कौन असिस्टेंट मैनेजर है, कौन टीम लीडर है, तो वो आपको दिखाएगा। उससे पहले एक चीज नोटिस करूं कि डेटा देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले ए वाले नाम आ रहे हैं, देन बी, देन सी, देन डी, इस तरीके से ए टू जेड चल रहा है। अब अगर मैं ये देख रहा हूँ कि कौन कौन है असिस्टेंट मैनेजर, तो जैसे मैं एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ तो आपको शो करेगा कि असिस्टेंट मैनेजर है जो ये चार एम्प्लॉय है, मैनेजर ये चार एम्प्लॉय है, और ये डेटा भी, ये नेम का डेटा भी असेंडिंग ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, और उनके अंदर के सारे एम्प्लॉयज दिखा रहा है कि कौन किस कैटेगरी के अंदर कवर हो रहा है। अगर इनकी सैलरी पे देखनी है और उनका टोटल करना है तो जैसे बेसिक सैलरी पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी आ जाएगी कि किसकी कितनी सैलरी है, और उसका ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है कि टोटल असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके बाद मैनेजर आपको शो कर रहा है कि टोटल मैनेजर जो है उसकी सैलरी कितनी है, और कौन कौन मैनेजर है, कितनी कितनी सैलरी है किस किस की, टीम लीडर कौन कौन है और उनकी सैलरी क्या क्या है, ग्रैंड टोटल भी आपको शो कर। तो तीन काम इसने बेसिकली आपको करके दिखाए हैं। सबसे पहला डेटा इसने सरप्राइज कर दिया, दूसरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, तीसरा ग्रैंड टोटल और सब टोटल कर। बट एक फोर्थ वर्क भी है, वो फोर्थ वर्क क्या है, इसने फिल्टर भी लगाया। ये जो फिल्टर ऑप्शन आपने लास्ट किया होगा होम टैब के अंदर, तो यहाँ पे ये फिल्टर भी लगा कर दिया। ये फिल्टर क्या काम आता है वो समझिए, बेसिकली फिल्टर काम आता है आपके यहाँ पर कि अगर आपको डेटा फिल्टर करना है कि आपको वो एम्प्लॉइज देखने हैं जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से ऊपर है, सिर्फ यहाँ पर वो वाले एम्प्लॉइज शो हों जिनकी सैलरी 10,000 रुपए से ऊपर है, तो ये कैसे करोगे, फिल्टर आप कैसे लगाओगे। जैसे इस ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आपने जो फिल्टर लगाना है वो डेजिग्नेशन पे लगाना है या एम्प्लॉई नेम पे। नेम पे लगाना है कि जिस एम्प्लॉई की सैलरी 10,000 से ऊपर हो वो वाले शो करे, बाकी सब नहीं। तो एम्प्लॉई नेम चूज किया, यहाँ से वैल्यू फिल्टर का एक बटन है वो चूज करो, इसके अंदर एक ग्रेटर देन का बटन है वो चूज करो, और यहाँ पर वो सैलरी डाल दो जो भी है आपकी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर वो सैलरी डाल दी लाइक 10,000 रुपए, कि जिसकी सैलरी 10,000 रुपए से ऊपर है वो सिर्फ शो हो और कोई नहीं। जैसे इसको ओके करूंगा तो सिर्फ वो वाले एम्प्लॉई शो हो रहे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, बाकी सब हाइड हो गए। इसको फिर से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है किसके अंदर, यहाँ से नेम चूज करना है। एक बार फिर बताता हूँ कि पहले इसको ड्रॉप डाउन पे लेके जाना है, देन यहाँ से एम्प्लॉई नेम चूज करना है, देन वैल्यू फिल्टर के अंदर ग्रेटर देन पे क्लिक करना है, और यहाँ से यहाँ पर आप 10,000 रुपए एंड ओके करो, तो वो वाले सारे डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे जो जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। अगर ये फिल्टर हटाना है इससे तो वापस इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से नेम चूज करो और एक क्लियर फिल्टर वाला ऑप्शन प्रेस कर दो तो सारे हट जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया स्वीट आप सभी को, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्राइवेट टेबल का फर्स्ट। तो अब इसी में कुछ और एडिशनल चीजें भी होती है जो अलग से हम एड ऑन कर सकते हैं अपने काम को और आसान बनाने के लिए, तो कैसे वो होगा वो समझिए।
यस तो इसमें और क्या क्या फीचर हैं एडिशनली? इन सभी फीचर्स को करने के बाद जो नेक्स्ट फीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर अब इसने टोटल किया है सम ऑफ बेसिक सैलरी की है। अगर हम चाहते हैं कि इसका एवरेज निकालना है, इसका मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो अगर फॉर्मूला चेंज करना है तो आप फॉर्मूला कैसे चेंज कर सकते हो वो समझो। तो जैसे सम ऑफ बेसिक सैलरी है, इसकी जगह आपको एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है, मिनिमम निकालनी है, आप फॉर्मूला कैसे चेंज कर सकते हो? यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक वैल्यू के नाम से एक ऑप्शन बना हुआ है। इस राइट हैंड साइड में इस वैल्यू वाले ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर सम वो बेसिक है। अब इस एरो पे क्लिक करो, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पे क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये बॉक्स आप सबके सामने ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर सम की जगह आप चूज कर लो एवरेज, तो सम की जगह एवरेज चूज कर लो एंड ओके कर दो। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर बेसिक सम की जगह एवरेज है। तो अगर आपको सम की जगह कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। एक बार फिर बताता हूँ, इस वैल्यू में वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, यहाँ से बॉक्स आएगा, इसके जगह आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए वो चूज करो एंड ओके कर दो, वही फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट। क्लियर है स्टूडेंट ये फीचर? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अगर आपको अपना डेटा कॉलम से रो में या रो से कॉलम में लेना है तो कैसे ले। तो अभी देखो हमारा जो डेटा है वो रो में है, बट आप चाहते हो कि जो एम्प्लॉई नेम है वो कॉलम में आनी चाहिए, तो इस एम्प्लॉई नेम वाले पॉइंट को उठाकर इसमें रख दो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो आपका डेटा देखो कैसे हो गया। तो आपके जो नाम है वो तो सारे आगे कॉलम में और जो आपके एजुकेशन वो रहेंगे रो में। तो जो डेटा अगर आप कॉलम में लेना चाहते हो तो सिर्फ आप क्या करोगे, यहाँ से उसको उठा के ऊपर रख दोगे तो आपका डेटा कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो मीन सब आपका सारा डेटा जो है कॉलम में आ रहा है, तो वापस इसको उठा के नीचे रख देते हैं। रो वाइज को लेना होता है हमेशा में पाइवट टेबल, तो इन दोनों को ऊपर नीचे उठा के रख दिया। तो इस तरीके से रो से कॉलम में या कॉलम से रो में हम अपने डेटा को सेटअप कर सकते हैं या अपने फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो फीचर एडिशनल थे। एक और थर्ड फीचर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इससे थोड़ा और एडवांस कंडीशन लगाना चाहते हैं, फिल्टरिंग करना चाहते हैं, जैसे एक फिल्टर तो आपने इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके फिल्टर लगाया वैल्यू फिल्टर के थ्रू, बट यहाँ पर ना एक और फिल्टर होता है जिसका नाम है स्लाइसर। तो जैसे इस पाइवट टेबल एनालाइज में जाओगे, पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर एक ऑप्शन होगा स्लाइसर के नाम से, इंसर्ट स्लाइसर के नाम से। तो इस स्लाइसर का यूज होता है कि आप कुछ फिल्टरिंग एडवांस करना चाहते हैं, मतलब कि क्या और कैसे। जैसे आप इंसर्ट स्लाइसर वाले बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास सारे कॉलम आ जाते हैं जो आपके कॉलम बने होते हैं। आपको फिल्टर किस कॉलम के अकॉर्डिंग करना है डेटा, उस कॉलम को इंसर्ट कर। तो जैसे मुझे डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर कर, तो यहाँ पर सारी सैलरी आ रही है और यहाँ डेजिग्नेशन। तो अब मैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगा ना तो वही डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप मैनेजर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डेटा दिखा रहा है कि सिर्फ वही डेटा आ रहा है जिसको आपने यूज किया, कि मैनेजर वाला डेटा आपने ऑन किया तो सिर्फ मैनेजर वाला डेटा दिखाएगा। अब जैसे ये फिल्टर हटाना है तो यहाँ पर पहले इस क्रॉस बटन पे क्लिक करो। अब जैसे आपको देखना है कि टीम लीडर कौन कौन है तो आपको सिर्फ टीम लीडर पे क्लिक करना है तो वो डेटा आपको शो करे। इसको हटाना है तो इसको वापस क्लोज करो। आप देखना चाहते हैं ये जो सैलरी है, ये 8500 जो सैलरी है ये किसकी है, तो 8500 पे आपने जैसे ही क्लिक किया ना तो आपको सिर्फ वही दिखाएगा कि असिस्टेंट मैनेजर है ये रेनू दिवाकर, इसकी सैलरी है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का डेटा ये निकाल सकते हो और एक एम्प्लॉई का डेटा निकाल सकते हो, एडवांस फिल्टरिंग कर सकते हो। अब जैसे इसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो इसको क्लियर जरूर करना पड़ेगा, इस क्रॉस बटन पे क्लिक जरूर करना पड़ेगा। अब अगर ये बॉक्सेस आपको हटाने हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दो, इस लाइन पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दो। वापस लेके आने हैं तो एनालाइज टैब में जाओ, इसमें स्लाइसर का एक ऑप्शन है,
तो इसमें आपको जैसे कि डेटा चाहिए डेजिग्नेशन का और एम्प्लॉय नेम का, इन दोनों पे क्लिक करके ओके किया तो वो डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गए। बट इन दोनों में से अगर कोई भी चीज आपको हटानी है, जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे आपको ये देखना है कि इनमें से कोई भी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक किया आपने, तो वो आपको दिखाएगा कि वो किस डिपार्टमेंट का, उसकी सैलरी क्या है, तो वहां पे फिल्टर हो जाएगा। हटाना है, क्लियर करना है, तो इस क्रॉस को कर दो तो वो हट जाएगा। तो इस बॉक्सेस को भी हटाना चाहते हो, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड से, तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। स्लाइसर का फीचर समझ में आया सभी को? यस और नो? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है अपडेट का, कि शीट वन पे अगर आप कोई चेंजेस करो तो क्या वो शीट टू पे अपने आप आएगा या नहीं, उस चीज को। जैसे कि आप शीट वन में क्या कर रहे हो, स्नेहा जैन की जो सैलरी है वो 12,000 रुपए है, आपने शीट वन पे गए, स्नेहा जैन की सैलरी यहाँ पर 15,000 कर दी। तो अब मैं शीट वन पे जाकर, टू पे जाकर देखता हूँ, स्नेहा जैन की जो सैलरी है वो अभी भी 12,000 दिखा रहा है, बट मैंने तो वहां अपडेट कर दी। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप अपनी शीट वन पे कोई भी चेंजेस करते हैं और आपको शीट टू पे ऑटोमेटिकली चाहिए, तो जैसे शीट वन पे आपने कोई भी चेंजेस किए तो शीट टू पे आकर इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करके, कहीं पर भी डिजाइन टैब में जाओ, इसमें एनालाइज टैब में जाओ, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा रिफ्रेश का। इस रिफ्रेश ऑप्शन के अंदर रिफ्रेश ऑल कर दो, जो जो डेटा अपडेट हुआ होगा शीट वन पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। देखो उसकी सैलरी 15,000 पे आपको यहाँ पर शो कर रहा है, 12,000 की जगह हमने शीट वन में 15,000 कर दी थी, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, 15,000 रुपए कर दिया। तो इस तरीके से आप पाइवेट टेबल के अंदर अपडेट भी कर सकते हो। बट इससे भी इम्पोर्टेंट एक और फीचर मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, इट्स नेम कि अगर आप इसके नीचे और रिकॉर्ड पुट करते हो, इसके नीचे और रिकॉर्ड पुट करते हो तो क्या क्या वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो उसका क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए क्या करना होगा वो समझिए। देखो बेटा अभी क्या करते हो आप, जैसे इसके नीचे आपने एक और नंबर डाला, जैसे E14 डाला इसके नीचे, और यहाँ पर आपने कोई भी नाम लिख दिया, और यहाँ लिख दिया लाइक मैनेजर, और यहाँ लिख दिया सैलरी, कोई भी सैलरी डाल दिया आपने। अब आपने क्या करना है कि देखना है कि रजत जो वहां पर रिकॉर्ड डाला है आपने, वो शीट टू पे आ रहा है या नहीं आ रहा मैनेजर। तो जैसे शीट टू पे गए, कहीं पे भी क्लिक किया, एनालाइज में गए, रिफ्रेश बटन पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी मैनेजर के अंदर कोई भी रजत इसने अपडेट करके नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नीचे रिकॉर्ड अगर आप डाल रहे हो शीट वन में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइवेट टेबल पे शो नहीं हो रहा। बट अगर आपको ऑटोमेटिकली वो भी शो करवाना है, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझना होगा। क्या देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना ऑलवेज कि जब भी आप प्राइवेट टेबल बनाओगे, ये प्राइवेट टेबल बनाओगे, तो प्राइवेट टेबल बनाने से पहले आप अपनी टेबल को जरूर फॉर्मेट एस टेबल जरूर अप्लाई कर देना। मतलब इसके ऊपर ये जो फॉर्मेट एस टेबल का ऑप्शन होता है, ये जरूर अप्लाई कर। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया हुआ होगा, तो नीचे जितने भी रिकॉर्ड डालोगे वो आपके प्राइवेट टेबल में अपने आप नहीं आएंगे। तो बेटा मस्ट है कि अगर प्राइवेट टेबल इस टेबल की आपने बनानी है, तो प्राइवेट टेबल बनाने से पहले आपको उस इस सिंपल टेबल को फॉर्मेट एस टेबल में कन्वर्ट करना हो, फिर इस टेबल के नीचे अगर और रिकॉर्ड आप पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्राइवेट टेबल में आते रहेंगे। बट अगर आपने इस टेबल के ऊपर फॉर्मेट एस टेबल नहीं लगा रखा, तो हो ही नहीं सकता कि वो ऑटोमेटिकली आपके न्यू रिकॉर्ड्स को प्राइवेट टेबल में अपडेट करता जाए। तो प्राइवेट टेबल बनाने से पहले ही आपको ये काम करना होगा। तो इसलिए इसको मैं भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट हो गई वो शीट टेबल। और शीट वन पे जाके पहले क्या करता हूँ कि आप इस टेबल को सेलेक्ट करके फॉर्मेट एस टेबल लगा देता हूँ। अब फॉर्मेट एस टेबल दो तीन तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो फॉर्मेट एस टेबल में से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। दूसरा, इंसर्ट में जाके ये जो टेबल ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां से आप लगा सकते हो। जैसे इस पूरी टेबल को आपने सेलेक्ट किया, इस टेबल बटन पे आपने क्लिक किया,
और ओके किया तो सिर्फ ओके करती वो डिजाइन यहाँ पर लग गया। अब जो भी कलर लेना ऊपर से आप कलर भी चूज कर सकते हो। तीसरा होता है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी ये प्रेस करती, जैसे इसकी शॉर्टकट इंसर्ट टैब में इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल टी है टेबल की, तो वहां से भी आप अप्लाई। तो अब अगर इसके नीचे आप कोई भी रिकॉर्ड पुट करोगे तो पाइवेट टेबल अगर बना रखी होगी तो उसमें अपने अपने आप आता रहेगा। बट पहले क्या करते हैं कि पहले इसके ऊपर एक जो है इसके ऊपर एक पाइवेट टेबल बना लेते हैं, फिर इसमें आपको नया रिकॉर्ड पुटअप करके दिखाता हूँ और वहां पर देखना अपडेट हो जाएगा। तो जैसे इस टेबल को सेलेक्ट किया, पाइवेट टेबल पे क्लिक किया हमने, और पहले से मेरी एक शीट खाली है शीट टू, उसके अंदर बना रहा हूँ। एग्जिस्टिंग शीट पे गया और इसके अंदर लोकेशन पे कर्सर रखा, शीट टू पे क्लिक किया और इसमें किसी भी सेल पे क्लिक कर दिया इस शीट के अंदर एंड ओके कर दिया। तो अब इसके ऊपर यहाँ पर पाइवेट टेबल बननी स्टार्ट हो गई। देन अब मेरे को बनानी है एक तो डेजिग्नेशन, एम्प्लॉई नेम और बेसिक सैलरी, तो ये डिटेल तो यहाँ पर आ रही है। बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और एम्प्लॉई इसके नीचे ऐड करना और वो भी अपने आप वहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक एम्प्लॉई डाला, तो देखो नाम जो है वो जो कलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। और अब जैसे मैं शीट टू पे जाता हूँ तो फिलहाल तो अभी नहीं दिखा रहा और मैनेजर के अंदर रजत नहीं दिखा रहा, तो जब तक रिफ्रेश नहीं करूंगा जब तक वो अपने आप नहीं आएगा। तो आपको इसके अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, एनालाइज में जाना है, रिफ्रेश के अंदर रिफ्रेश ऑल बटन पे क्लिक करना है। तो देखो रजत भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। ये समझ में आया स्टूडेंट आप सभी? अगर ये नहीं बनी हुई होगी तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ अपडेट नहीं होगा। तो इसीलिए अब एक और बात कि अगर यहाँ से ये जो टेबल कलर है, ये टेबल फीचर है, ये हटाना है, तो अगर ये टेबल फीचर अगर आपको हटाना है तो कैसे हटाते हो उसका भी एक स्टेप है, वो भी समझो कि अगर आपको टेबल फीचर इससे हटाना है तो आप कैसे हटा। यहाँ पर देखो एक टेबल डिजाइन का बटन, ये टेबल डिजाइन, टेबल को सेलेक्ट करके टेबल डिजाइन में आ जाओ। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट टू रेंज, तो जैसे ही कन्वर्ट टू रेंज बटन पे आप क्लिक करते हो और यस करते हो तो ये सेटिंग तो यहाँ से हट गई, पर कलर हटाने के लिए होम टैब के अंदर क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट का एक ऑप्शन रहेगा, वहां से आप कलर हटा सकते। तो अगर आपको ये फीचर हटाना है तो कैसे हटाओगे दोबारा समझिए। सबसे पहले जैसे आपने कोई भी कलर इसमें लगा दिया फॉर्मेट एस टेबल से या कहीं से भी, अब ये डिजाइन आपको यहां से हटाना है, ये फीचर आपको हटाना है फॉर्मेट एस टेबल वाला, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट करके टेबल डिजाइन ऑप्शन में आओ, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करो, यस करो, और ये कलर हटाने के लिए होम में जाओ, क्लियर में क्लियर फॉर्मेट करो तो वो हट जाए। तो ये था आपका पाइवेट टेबल फीचर जिसको क्लियरली मैंने समझाया। इसके नोट्स बना लेना बेटा, क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं मैंने आप लोगों को वो एक बार फिर सुन लो। एक तो पूरी टेबल के ऊपर पाइवेट टेबल आपने बनाई, उसके अंदर फिर इसने ऑटोमेटिकली उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, दूसरा सब टोटल ग्रैंड टोटल कर दिया, समराइज कर दिया, फिल्टर लगा दिया, और फिर हम इसको फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं कि सम्स इसको एवरेज करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, तो यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा को रो से कॉलम में या कॉलम से रो में ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, और स्लाइसर लगा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ नोटबुक में लिख लेना वीडियो को देख के कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं पाइवेट टेबल में, जिससे उनकी प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से कर पाए। तो उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर हमने किया, कोई भी स्लाइसर ले सकते हैं हम जिससे डेटा को फिल्टर कर पाएंगे, और इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट, फिर अपडेट करना कि एग्जिस्टिंग डेटा में अगर चेंजेस कर रहे हैं तो वो तो क्या कर रहा है कि शीट टू पे रिफ्रेश करने पर रिफ्रेश हो जा रहा है, बट अगर नया रिकॉर्ड अगर आपको पुट करना है तो मस्ट है ये पहले इस टेबल सिंपल टेबल के ऊपर आपको फॉर्मेट एस टेबल लगाना होगा, फिर पाइवेट टेबल बनानी है, देन उसमें कर कोई अपडेट करते हो तो यहाँ पर रिफ्रेश करके आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स प्राइवेट टेबल के अंदर आपको अच्छे से करके देखने हैं आज, जितने भी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बोले हैं। Got it स्टूडेंट, समझ में आया यहां तक कांसेप्ट? यस सर नोट? यस सर। यस सर। ओके, आप अपनी क्लास को एक बार रीजॉइन करिए, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। बाय बाय।
है।